दोस्तों ये जियो F220B मॉडल है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है, इससे चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, हम पूरा चेक कर लिया है, बहुत चेक किया, ये सब कुछ ठीक है, फ्लैशिंग भी कर लिया, ये IC भी थोड़ा सा रिवोल्विंग कर लिया, कहीं शॉर्ट भी नहीं है, ये नेटवर्क IC भी हम उठा के देख लिया, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है, सेट चालू फिर भी चालू नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में दो प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन होगा, ठीक है, अगर देख लीजिए, हम दिखाता है सर, चालू नहीं हो रहा पहले, आप देख लीजिए, देखिए दोस्तों सेट चालू नहीं हो रहा, सेट चालू नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वीडियो YouTube में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ये जो प्रॉब्लम है इसमें दो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, ये जो ट्रिक बताऊंगा, ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे देखिए, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहता है, इसका साइड में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखिए, ये टूटा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ एक, यहाँ ये वाला एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ देखिए टूटा हुआ है, और ये शॉर्ट कर देने से सेट चालू हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस रहेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब कभी कभी आता है टेम्परेचर टू हाई लो, अगर ऐसा होगा तो भी ये रेजिस्टेंस हटा के यहाँ शॉर्ट कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सेट फिर भी चालू रहेगा। अगर ये टूट गया अगर नहीं रहेगा तो सेट चालू ही नहीं होगा, ये शॉर्ट कर देने से सेट चालू भी हो जाएगा, और टेम्परेचर टू हाई वो जो प्रॉब्लम आता है वो भी नहीं रहेगा। हम दिखाते हैं जंपर करके, मतलब ये शॉर्ट करके हम दिखाते हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों हम शॉर्ट कर दिया, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, वो उसका साइड में जो है वो शॉर्ट कर दिया, अब सेट चालू हो जाएगा। शॉर्ट कर दिया, अब देखते हैं सेट चालू हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, इसका साइड का रेजिस्टेंस, ये आप ध्यान रख लीजिए, ये ध्यान रख लीजिए, इसका साइड को जो रेजिस्टेंस है, साइड का जो रेजिस्टेंस, अब चालू हो रहा है कि देखते हैं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चला जाते हैं। देखिए दोस्तों सेट चालू हो गया, थैंक यू, अब वीडियो को एक सब्सक्राइब और एक लाइक, जल्दी जल्दी, थैंक यू।